मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 दिया है हमारा, क्लास 8 स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल। और इससे पहले हमारे 2 चैप्टर, चैप्टर 1 एमएस एक्सेस, चैप्टर 2 दिया था मोर ऑन एचटीएमएल। वो दोनों चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और उनका जो यूटी वाला एग्जाम है वो भी हो गया। बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कुछ बच्चों ने बेकार भी दिया है। चलो तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को ठीक करें फिर भी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ाया भी है पहले, ऐसी बात नहीं है, जब हम वर्क फ्रॉम होम किया था घर से भी पढ़ाया था, लेकिन चलिए हम दोबारा इसको पढ़ा देते हैं, स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल। तो पेज नंबर दिया है 26, बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट्स, सभी के पास बुक है, जिसके पास नहीं है वो भी ले लें, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब ये कहोगे कि सर हमारे पास बुक नहीं है, ये गलत बात। तो दिया है चैप्टर नंबर 3 स्पेशल इफेक्ट इन एचटीएमएल। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू मे वांट टू कंसीडर यूजिंग एचटीएमएल टेबल इन योर वेबसाइट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप एचटीएमएल टेबल अपनी वेबसाइट्स पर बना दें, क्योंकि जो पिछले वाला चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं एचटीएमएल क्या है। तो यहाँ हम कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोस्टली टेबल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कि अगर हमें जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में देना पड़े, अगर डेटा को टेबल फॉर्म में देना पड़े तो कैसे हम टेबल फॉर्म में डेटा को देंगे, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन द एडिशन टू क्रिएट एचटीएमएल टेबल टू प्रेजेंट डेटा रो एंड कॉलम्स। और हम अपनी टेबल को क्रिएट करें और अपने जो डेटा है उसको प्रेजेंट करें रो और कॉलम में, रो और कॉलम में अपने डेटा को हम दिखाएं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एचटीएमएल टेबल टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑन योर वेब पेज। आप टेबल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, इंफॉर्मेशन वेब पेज पर दे सकते हो। टेबल्स आर वेरी यूजफुल फॉर ए वेब ब्राउजर्स, इट इज फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव वे टू प्रेजेंट डाटा। टेबल बहुत यूजफुल होती है वेब पेज पर, ये हमारे डेटा को फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न ए वैरायटी ऑफ वे टू प्रेजेंट योर वेब पेज डेटा इन टेबलर फॉर्मेट। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ वे कि आप कितने तरीके से अपने जो टेबल्स हैं वेब पेज पर टेबलर फॉर्म में कितने फॉर्मेट लगा करके आप टेबल बना सकते हैं, अपने डेटा को किस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल विद एचटीएमएल, अगर हमें एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करनी है किस तरह हम क्रिएट करेंगे, बुक में भी दिखाया गया है, जिनके पास बुक है वह अच्छी तरह से समझ भी रहे होंगे कि टेबल क्या होता है, बुक में दिखाया गया। टेबल इन एचटीएमएल, टेबल अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम्स। टेबल में जो डेटा होता है वो रो और कॉलम में अरेंज होता है। टेबल भाई देखो ऐसे होती है, आप सबको पता है, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे स्टूडेंट है। ये हमारे कॉलम्स होते हैं इस तरह से वर्डिंग, और ये हॉरिजॉन्टली हमारी रोज होती है, ठीक है, ये रोज है हमारी और ये क्या है हमारे कॉलम्स, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो रेक्टेंगल बॉक्स दिया है ये हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल। तो इसमें हम डेटा को डालते हैं, क्या कहा है, टेबल अरे डेटा इन रो एंड कॉलम एंड प्रोवाइड द अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। और एक रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को डालने में एक अट्रैक्टिव वे प्रोवाइड करता है। ईच रो इज डिवाइडेड इनटू द डेटा सेल, और हर रो हमारी डेटा सेल में डिवाइड रहती है। अ डेटा सेल कंटेन टेक्स्ट इमेज लिस्ट्स पैराग्राफ्स, जो डेटा सेल होता है वो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट से मतलब लिख सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, कोई भी लिस्ट बना सकते हैं पैराग्राफ की, फॉर्म्स डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स टेबल्स। इन एचटीएमएल इज द फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल विद द फॉलोइंग एग्जांपल। तो हम नीचे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमें एचटीएमएल में टेबल बनानी हो, डेटा दिखाना, तो कैसे हम दिखा सकते हैं। यस्टरडे वेदर, कल के मौसम की बात हो रही है यहाँ पर दिया है। तो पहला कॉलम दिया है हमारा, इसमें सिटीज लिखा हुआ है, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई,
फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन, इतनी सारी चीज़ें दी है। तो अगर हम फर्स्ट रो में चले, सिटी वाले में, सिटी दिल्ली है, हाई टेम्परेचर 35 रहने वाला है, लो टेम्परेचर 17 रहने वाला है, और विंड डायरेक्शन जो हवा का डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्थ साइड में रहेगा। तो इस तरह से आप डेटा आपकी पोस्ट बुक है उसमें देख पा रहे हो, इस तरह से आप अपना डेटा दे सकते हो। तो उसमें दिया टेक्स यूज इन ए टेबल, अगर हमें टेबल बनानी है तो कौन कौन से टैग्स हमारे यूज होते हैं, कौन कौन से टैग्स को लगा करके हम टेबल की रोज बना सकते हैं, कॉलम बनाते हैं और उनकी लाइन बनाते हैं, और टेबल को शुरुआत कैसे करते हैं बनाने के लिए वो भी इसमें दिया गया है। टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल, अगर हमें एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करनी है, वी यूज द टेबल टैग, तो हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे भाई, टेबल टैग, ओपन ब्रैकेट टेबल, ठीक है, टेबल टैग का हम यूज करेंगे इस टैग का। ईच टेबल बिगिन विद द टेबल, प्रत्येक जो टेबल है हमारी वो इस टेबल से शुरू होती है और एंड 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 विद टेबल टैग, तो सिंपल है, ओपन ब्रैकेट स्लैश लगाएंगे टेबल, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम ये एंड का ब्रैकेट होता है। You can define the various attributes of a table in the table tag. इसके अलावा हम टेबल टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगा देते हैं, यानी कि इसकी सब कमांड है, एट्रीब्यूट जो होती है इनकी सब कमांड होती है, उसको यूज करके हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो टेबल की कंप्लीट कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स। ईच रो विद ए टेबल बिगिन द टी आर, अगर हमें रो क्रिएट करनी है तो उससे पहले रो बनाने के लिए हम टी आर टैग लेंगे, टेबल रो, ठीक है, कौन सा टी आर टैग, टेबल रो। उसके बाद क्या दिया है इसने, एंड ऑप्शनली एंड विद द टी आर, और इसको एंड भी, यानी अगर जब काम पूरा हो जाए, टेबल रो बन जाए जितनी बनानी है, तो उसको एंड भी स्लैश लगा कर टी आर से ही करेंगे। ये तो रो के लिए हो गया टेबल रो। रो मस्ट बी इनसाइड इन टेबल टैग, रो हमेशा टेबल टैग के इनसाइड में ही आएगी। द कॉलम कंटेन सेल, ईच ऑफ द बिगिन विद द टी डी, कॉलम क्या है, सेल को कंटेन करता है, तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट टी डी, टी डी टैग से शुरू होता है, ओपन ब्रैकेट टी डी, ईच ऑफ द बिगिन विद टी डी एंड टेबल टैग एंड विद द टी डी टैग, और ये खत्म भी इसी तरह होता है, सॉरी मैंने आपको बताया था जब मैंने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था कि जिस भी टैग को आप स्टार्ट करते हो उसको क्लोज करना भी बहुत जरूरी है। ये क्लोज की पहचान क्या है, ये स्लैश लगा रहता है, क्लोज की किस तरह हमें पता चलता है कि हमारा जो टैग क्लोज होने वाला है वो इस तरह से क्लोज होगा, तो स्लैश लगाएंगे टेबल टैग हमारा क्या हो जाएगा इससे कि हमारा ये एंडिंग टैग है। स्टार्टिंग टैग में आपको स्लैश नजर नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में जो एंडिंग टैग होता है हमारा उसमें स्लैश नजर आएगा, इससे मतलब हो जाएगा कि ये टेबल का, सॉरी ये टैग्स एंडिंग टैग्स है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके ये टेबल को बना सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके टेबल शुरू करेंगे, अगर टेबल बनानी है तो टेबल टैग लगाएंगे, टेबल टैग में फिर टी आर टैग लगेंगे, टेबल रो बनानी है हमें टी आर टैग लगेगा, फिर कॉलम बनाने हैं इसमें सेल कंटेंट होती है हमारी टी डी टैग, और एंड का आपको पता ही है स्लैश से एंड होगा। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, केवल स्टार्टिंग टैग होता है, वो कुछ ही अलग टैग्स हैं, ठीक है, तो उनको इम्पैड टैग्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रोग्राम दिया भी है, लेट अस क्रिएट ए टेबल टू डिस्प्ले द सीरियल नेम and grades of students and understand the these of tags। तो आगे एक प्रोग्राम दिया है जिसमें टेबल बना के दिखाई दी है, तो टेबल कैसे बनती है और सारे टैग्स का यूज भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं एक और टैग्स का यूज देखते हैं कैसे कैसे होता है।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन ब्रैकेट हमारा एचटीएमएल, उसके बाद ओपन ब्रैकेट हेड, उसके बाद ओपन ब्रैकेट टाइटल, फिर क्लोज ब्रैकेट। टाइटल में दे देंगे हम क्रिएटेड टेबल, फ्लैश लगाएंगे टाइटल को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद दिया है वहां हेडिंग टैग, देना चाहो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने दे दिया है तो उसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज के बारे में क्या बता देते हैं भाई, ये स्लैश लगता है, देखो मैंने यहां भी लगाया स्लैश, यानी कि ये टैग और ये टैग हम मैंने दोनों बंद कर दिए। उसके बाद दिया है हमारा बॉडी, ठीक है भाई। बॉडी में आप दे सकते हो टेबल पेज के बीच में लेना चाहते हैं, कहाँ लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ें दिया है, टॉप मार्जिन 50 मार्जिन। तो देखिए भाई यहाँ तक HTML हेडिंग टाइटल हेड बॉडी, यहाँ तक आपका कोई भी HTML का प्रोग्राम हो कॉमनली वो टैग यूज होते ही होते हैं। उसके बाद जिस टाइप का हमें बनाना है वेब पेज, उसी टाइप के उसमें टैग्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक HTML हेडिंग टैग, टाइटल टैग, ये सब चीज़ें हमारी यहाँ तक बॉडी टैग तक कॉमन में। उसके बाद हमें बनाना है टेबल, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो बॉडी में देखिए भाई इसने दिया है टॉप मार्जिन 50, इसका मतलब है ये पेज को थोड़ा नीचे से 50 इसका भी यहाँ पर टेबल को हमें शुरू करना है। जी मैम, राउसर इस वाले रूम में सही है, तो शायद शास्त्री सर वाला रूम में सामने सुन गए हो, इसको देख लो इक्वल टू 50, ठीक है। बीजी का बैकग्राउंड कलर क्या लेने वाले हैं आप, ग्रीन दे दिया इसने, तो इतनी सारी वगैरह वगैरह जो हमने पीछे आपको दिखाया है वो सब चीज़ें इसको बंद कर देंगे इसके थ्रू, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमें बनानी है इसमें आज टेबल, तो शुरू कर लेते हैं अभी टेबल कैसे बनाइए। सबसे पहले मैंने ओपन ब्रैकेट बॉडी के अंदर लिया, ध्यान रखना भी ये नहीं कि बॉडी से पहले लिया, बॉडी के अंदर लिया है टेबल, और इसको क्लोज कर, ठीक है। बॉडी के अंदर लिया टेबल लिखा, तो टेबल हमारा इसका मतलब यहाँ से टेबल की हमारी शुरुआत बननी हो जाएगी शुरू। चलिए उसके बाद लिखेंगे हम टैग्स, सबसे पहले हम रो लेंगे, तो रो के लिए हमने क्या किया ओपन ब्रैकेट TR टेबल रो, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, टेबल रो ले लिया। उसके बाद हमारा इसका जो एट्रीब्यूट है वो है TH टेबल रो का, यानी कि बनाते चले जाएंगे टेबल रो को TH। उसके बाद क्या है, फर्स्ट हमारा जो रो बनेगी वो बनेगी सीरियल नंबर S डॉट है, आपकी नेम की हो सकती है, रोल नंबर की हो सकती है, कुछ भी होती है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर क्या किया इसने, ओपन ब्रैकेट स्लैश TH बंद कर दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया यहीं पे। फिर क्या किया इसने, फिर खोला मैं अगली लाइन में दिखा रहा हूँ यहाँ पर TH नेम, नेम को लिया, फिर ओपन ब्रैकेट TH स्लैश लगाया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या है TH ग्रेड, ये हमारी फर्स्ट रो रेडी हो गई, सीरियल नंबर आ गया फर्स्ट रो में, नेम आ गया और ग्रेड्स आ गए, ये सब चीजें हमारी आ गई। टेबल से हमने शुरुआत की थी, ध्यान से देखिए केवल आज यही प्रोग्राम बनाएंगे, दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर दूसरा प्रोग्राम बनाया तो ये प्रोग्राम ही आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा, तो इसे ध्यान से देखिए प्रोग्राम को।
यहाँ तक कॉमन है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। बॉडी टैग तक आपका बिल्कुल कॉमन आएगा, लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम सीख रहे हैं टेबल बनाना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से देखते रहना चाहिए, ध्यान से देखना। तो टी आर टेबल रो लिया मैंने, टेबल रो हेडिंग टेक्स ले लिया, लेकिन रो बननी शुरू। टी एच क्या है, मुझे ऐसा टी एच कहाँ से आया, टी एच इसका एक एट्रीब्यूट है जो अलग अलग सेल को कंटेन करता है। और पहली सेल इसमें टी एच में सीरियल नंबर, टी एच को बंद किया है यहीं पे, ध्यान से देखो स्लैश लगाया बंद किया है। उसके बाद टी एच नेम लिया है, फिर टी एच को बंद किया स्लैश लगा के, फिर ग्रेड्स लिए, यानी कि फर्स्ट रो हमारी आ गई इस तरह से। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए प्रोग्राम सीरियल नंबर, यहाँ नेम आ गया हमारा, यहाँ पर हमारी ग्रेड्स आ गई, ठीक है भाई। ये आ गया हमारी फर्स्ट जो रो है हमारी, वो बनकर रेडी होगी। अब इसमें सीरियल नंबर के पीछे तो सीरियल नंबर आया है, जब हम कॉलम बनाएंगे, क्योंकि रोज बनाई हमने, कॉलम बनाएंगे, नेम के नीचे नेम आएगा और ग्रेड्स के नीचे हमारे ग्रेड्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। फिर दिया है हमारे पास टी आर, टेबल रो बना रहे हैं, एक और टेबल रो बना रहे हैं, कैसे इसको तो बंद करेंगे भाई, यहाँ तक तो बन गया हमारा, एक रो कम्प्लीट हो गई, तो टी आर टैग को स्लैश क्लोज कर दिया, दिखाई दे रहा है कैमरे में, चेक कर लेते हैं। टी आर को बंद कर दिया हमने पहले ही, तो भूल गया, सॉरी माफी चाहते हैं इसके लिए। हाँ नीचे तक दिख रहा है, यहाँ तक आ गया है हमारा। अब दूसरी रो बनाएंगे हम, फिर शुरुआत करेंगे टी आर से ही, ओपन ब्रैकेट टी आर, दूसरी रो बनाने जा रहे हैं। क्या किया इसने, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे दूसरी रो में, टी डी टैग को ले लिया भाई, यहाँ ध्यान से देखिए कॉलम बना रहे हैं टी डी टैग, उससे पहले लिया था सीरियल नंबर, उसमें डाल दिया वन, सीरियल नंबर क्या आ गया वन, फिर ओपन ब्रैकेट स्लैश टी डी को कर दिया बंद, फिर टी डी टैग लिया, उसके बाद डाला उसमें नेम, किसी का भी नेम डाल दीजिए, इसने यहाँ पर दिया है सरिता, हम यहाँ पर डाल लेंगे भाई स्नेहा, चलो हम स्नेहा लिख लेते हैं। उसके बाद ओपन ब्रैकेट टी डी, यहाँ तक समझ आया, इसको ग्रेड क्या देंगे, टी डी लिख दिया, ग्रेड दे दिया हमने इसको बी, फिर ओपन ब्रैकेट स्लैश लगाया टी डी, ये हमारा फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको, फर्स्ट कॉलम हमारा टी आर के नीचे ही हमने टी डी लिया है, तो फिर टी आर को भी बंद कर देंगे लास्ट में आके, क्योंकि सारे बंद यहाँ के आ रहे हैं, तुरंत के तुरंत बंद करके जा रहे हैं। ओपन ब्रैकेट टी आर, इसको भी हम यहीं पर बंद कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी आज तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ये रो हमने बना लिए है, उसके बाद हमने रो में ही, टेबल रो में ही है टी डी टैग, टेबल कॉलम बना रहे हैं इसके नीचे, फर्स्ट सीरियल नंबर के नीचे एक, नीचे फिर क्या लिया टी डी करके, स्नेहा किसी बच्चे का नाम दे दिया, उसके बाद टी डी बी इसको ग्रेड दिया है हमने, और फिर टी आर को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम फिर टी आर लगाएंगे भाई, सॉरी टी आर, फिर टी डी टू, टी डी को कर दिया क्लोज यहीं पे, ठीक है। उसके बाद टी डी राहुल, फिर टी डी को बंद कर दिया, फिर टी डी इसको ग्रेड दे दिया हमने टी, ठीक है भाई। उसके बाद फिर टी आर को बंद कर देंगे नीचे जाके स्लैश टी आर, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इस तरह आप तीसरा बनाना चाहें, तीसरा बन जाएगा, धीरे 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 आपका ये सब बन जाएगा, लास्ट में जाके बंद कर दिया तीसरा, तीन से चार पाँच छः जितने आप चाहें इस तरह ही आपके प्रोग्राम लिखते चले जाइए, प्रोग्राम लिखते चले जाएंगे लाइन बाय लाइन, आपकी टेबल बनती चली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, टेबल आप आसानी से बना सकते हो इसमें। तो चलिए आगे क्या करना है हमें, फिर जब हमारी टेबल पूरी हो जाए बन के तैयार, तो हमारे कौन कौन से टेक खुले हैं भाई,
सबसे पहले हमारा टैग खुला है भाई टेबल टैग, फिर है बॉडी टैग, तो फिर हम लास्ट में हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है तो उसको बंद कर देते हैं, स्लैश लगाएंगे टेबल, ठीक है, और स्लैश लगाएंगे बॉडी एनिमल, और फिर स्लैश लगाएंगे लास्ट पे एसटीएल। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम टेबल बनाने का, किस तरह से हम एचटीएमएल में अपनी टेबल बना सकते हैं और उसमें डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोग्राम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जिसने अभी नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि इतने इजी वे में बताया है, बड़े आसान तरीके से समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोडिंग तो भाई देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिना याद के तो कुछ नहीं होता, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा। एचटीएमएल हेड टाइटल, ठीक है, ये सब चीज़ें लेते हैं, इनको बंद भी कर देते हैं, एचटीएमएल को सबसे लास्ट में बंद करते हैं, सबसे ऊपर वाला है ना उसे सबसे लास्ट में बंद करते हैं जब हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है। क्या दिया है, बॉडी टैग, क्या दे दिया हमें, बॉडी टैग, बॉडी टैग ये यहाँ तक, बॉडी टैग तक हर एचटीएमएल प्रोग्राम सेम रहता है, बिल्कुल सेम, उसके बाद ही बनता है जो कुछ इसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ तक सेम रहता है। फिर हमें बनानी है टेबल, तो हमने टेबल टैग लिया, टेबल टैग में टी आर टैग लिया भाई, ठीक है, टी आर टैग ले लिया, टी आर टैग में टी एच एट्रीब्यूट्स है, सीरियल नंबर डाल दिया है ना, फर्स्ट नेम टी एच में नेम डाल दिया, फिर ग्रेड्स डाल दिए। अब इनमें एंट्री करेंगे हम किसके थ्रू, टी आर टैग में टी डी के थ्रू कॉलम बनाएंगे, तो फर्स्ट में डाला वन, फिर टी डी को क्लोज किया, टी डी स्नेहा फिर क्लोज किया, टी डी बी इसको ग्रेड दे दिया हमने, इसको टी आर को बन दिया, ऐसे ही टू, ऐसे ही थ्री, ऐसे ही फोर, जितनी कॉलम्स आप बनाना चाहो उतने आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने लास्ट टेबल को बंद कर दिया, बॉडी टैग को बंद कर दिया, एसटीएमएल को बंद कर दिया, यहाँ तक प्रोग्राम लिखा गया, प्रोग्राम हो गया पूरा, फाइल को करना है सेव। मैं हर बार बताता हूँ, पिछले चैप्टर में बताया था, इस बार फिर बताता हूँ, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं फाइल को सेव करने में। अब सीधा फाइल सेव पे क्लिक करेंगे, एक सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ तक सभी कर लेते हैं। उसके बाद फाइल का नाम लिखना है, कुछ भी नाम लिखो, पहले टेबल मैंने इसको नाम दिया टेबल डॉट एचटीएमएल, तो टेबल डॉट एचटीएमएल, इन तीनों के बीच में, टेबल के डॉट के एचटीएमएल के बीच में, इन तीनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। टाइप करिए टेबल डॉट एचटीएमएल, कुछ भी नाम दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, डॉट एचटीएमएल स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन कोई भी स्पेस इनके बीच में ना हो। अब सेव कर दीजिए, आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा, फिर आप जाके देख सकते हैं अपनी फाइल को, आपकी फाइल में रैपिंग्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।